हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हमारे एप्लीकेशन का सेटअप करेंगे। जैसे कि ये एक मंच स्टैक ई कॉमर्स एप्लीकेशन होगा, हमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का सेटअप करना होगा। पहले हम फ्रंट एंड का सेटअप करेंगे। हमें डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसको मैं नाम दूंगा ई कॉमर्स। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया है ई कॉमर्स और ये एक ब्लैंक फोल्डर है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी इसके बाद मुझे जाना होगा विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं जो कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो है विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है तो आपको ये वेबसाइट पे आना होगा, code.visualstudio.com पे, और यहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो एरो पे क्लिक करना है, उसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है उसको ओपन करते हैं। कुछ ऐसा आपको पेज दिखेगा वेलकम का। आपको ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ई कॉमर्स फोल्डर सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है ओपन। अभी आप उस फोल्डर के अंदर आ चुके हो। ठीक है, ई कॉमर्स। अभी मैं टर्मिनल ओपन करूँगा। टर्मिनल ओपन करने के लिए टर्मिनल पर क्लिक करेंगे और न्यू टर्मिनल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है तो शॉर्टकट भी है, कंट्रोल और बैक टिक की जो टैब की के ऊपर होता है। अभी ये ई कॉमर्स फोल्डर में हम है, इसके अंदर मैं पहले तो फ्रंट एंड का सेटअप करूँगा। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, ये यूआरएल है गिटहब का, जो फेसबुक का ऑफिशियल है। हम यूज़ करेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और अपने एप्लीकेशन का नाम जो कि फ्रंट एंड है, बट मैं नाम दूंगा क्लाइंट। ठीक है, और npx क्या है, एक नोड पैकेज एग्जीक्यूटर है जो नोड मॉड्यूल्स को डाउनलोड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है टेम्परेरली। हमें npx का यूज़ करना है। ठीक है, चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और फ्रंट एंड होगा क्लाइंट। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने नोड जेएस इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो node.js.org पे आना होगा और ये जो LTS वर्जन है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। और अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो डाउनलोड्स पे जाना है, यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है और मैं प्रेस करूँगा एंटर। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और हमारे फ्रंट एंड का नाम है क्लाइंट। इसे इंस्टॉल होने में टाइम लगता है क्योंकि ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करता है, जैसे रिएक्ट, रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट। ओके, मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है फिर मैं इसको रिज्यूम कर लूँगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन सेटअप हो चुका है और यहाँ पर सजेस्ट किया है कि आप cd क्लाइंट के अंदर जाओ। cd क्लाइंट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे npm स्टार्ट, तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा लोकल होस्ट 3000 पे। ठीक जैसे कि आप देख रहे हो ये इसका डिफॉल्ट पेज है और ये सब जो आता है app.js से आता है। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और क्लाइंट फोल्डर ओपन करते हैं, सोर्स फोल्डर ओपन करते हैं, app.js ओपन करते हैं। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल टर्मिनल को। और टर्मिनल को ओपन करने के बाद सॉरी क्लोज करते हैं और app.js को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है एडिट वगैरह वो यहाँ पर है। ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये जो ऐप है वो index.js से रेंडर होता है, जैसे कि आप देख रहे हो React Dom डॉट रेंडर। ये जो रेंडर मेथड है वो इस ऐप को रेंडर कर रही है और यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। ये रूट आईडी है जो कि उसको मिल रहा है इंडेक्स डॉट html से, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ये एक एम्प्टी डिव है बट इसका आईडी है रूट। ठीक है, यहाँ पर app.js में हमारे बाकी पेजेस होंगे जैसे लॉगिन वगैरह। ठीक है, उसके कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे, यहाँ इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, और राउटिंग भी करेंगे, बट उसके पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरत नहीं है उसे निकाल देते हैं।
हेडर, ये पूरा हेडर निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं लिखूँगा हेलो रिएक्ट, और ये क्लास नेम की भी ज़रूरत नहीं है, लोगो हमको नहीं चाहिए। इसको सेव करते हैं, और यहाँ से भी मेरे ख्याल से लोगो निकाल देते हैं, तो लोगो डॉट एस वी जी इसकी ज़रूरत नहीं है, सो मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको भी डिलीट करना होगा, ठीक है? ये हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ और चलते हैं ब्राउज़र में। तो आप देखोगे यहाँ पर दिख रहा है हेलो रिएक्ट। अभी चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये जो नॉर्मल फंक्शन है इसको हम कॉन्स्ट यूज़ करेंगे, इसको एक एरो फंक्शन बना देंगे। सो कॉन्स्ट ऐप, और ये होगा एक एरो फंक्शन इक्वल्स टू, ठीक है? और ये एक एरो फंक्शन होगा जो रिटर्न करेगा हेलो रिएक्ट। मेरे ख्याल से इसको एक पी टैग में डालते हैं, ठीक है? इसको मैं कट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सेव करते हैं, तो हेलो रिएक्ट यहाँ शो हो रहा है। और जैसे कि ये एक सिंगल एलिमेंट है, तो हमको यहाँ पर रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको कट करता हूँ, और यहाँ से लेके ये कर्ली ब्रेसेस निकाल देते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ ये डेव। इसको सेव करते हैं, और याद रखो ये पैरेंथेसिस यहाँ पर हमको चाहिए, उसके बाद ये डेव और पी टैग आएंगे। और मैं अगर चलता हूँ ब्राउज़र में, रिफ्रेश करूँगा, तो ये सही से चल रहा है, ठीक है? तो हमने लोगो निकाल दिया, और हमने यहाँ पर ये एरो फंक्शन बना लिया, ठीक है? सो इस वीडियो में इतना ही, मैंने ये एप्लीकेशन का सेटअप कर लिया है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये थोड़ा एडवांस कोर्स हो जाएगा रिएक्ट के बारे में, क्योंकि मॉन्स्टैक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। सो अगर आप रिएक्ट को शुरू कर रहे हैं और रिएक्ट और रिडक्स के बारे में आपको पता नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी कोर्स बनाया है रिएक्ट और रिडक्स के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्काउंटेड प्राइस पे आप उसको बाय कर सकते हो। पहले आप उसको पढ़ो, काफ़ी बेसिक से मैंने समझाया है रिएक्ट, और पूरा कोर्स हिंदी में है, तो आपको अच्छा लगेगा ये कोर्स पढ़ने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत प्लान किया है। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन, और बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।